वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू एपिसोड ऑफ एटीएम 6। और भाई जैसे कि सबके एग्जाम्स चल रहे थे फिलहाल, तो भाई किस किस के एग्जाम्स खत्म हो गए कमेंट में बता दो फटाफट। और हाँ भाई, पहली बार लाइक एम रख रहा हूँ 10 लाइक का, सो टारगेट कंप्लीट करा देना भाई। ये वीडियो जल्दी आने वाला था लेकिन ये सब करने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने ये सब चीज़ें लाइक पूरा मॉडिफाई कर दिया, इसको थोड़ा सा बॉक्सी टाइप बना दिया है अभी, क्योंकि पहला सर्कल था तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था इधर से उधर जाने में, तो मैंने सब कुछ पास पास में ले आया। और डिस्क ड्राइव का स्पेस भी मैंने बढ़ा दिया, इसको 1 लाख कर दिया। एंड ये वाला जो है ना, देख रहे हो रेनबो कलर के ब्रिक्स, इससे बनाना कोई मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं है भाई, आसानी से बन जाता है। ये रहा रेनबो, और इसको पकाना होता है इसलिए पोर्सिलिन ब्रिक्स चाहिए, पोर्सिलिन ब्रिक्स, इससे बन जाती है आराम से। और हाँ भाई, ये वाले ग्लास, ये भी बन जाता है आराम से। ये देखो इसकी रेसिपी, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बीच में लगाओ गोल एंड चारों साइड ग्लास रख दो, हो जाएगा। एंड मैंने नीचे मेरा बेस बना रखा है। और भाई जितने भी मेरे मशीनरी चीज़ें थी मैंने नीचे की ओर सारे शिफ्ट कर दिए हैं, जैसे ये मेरा छोटा सा खेत जो मेरा खाने का जुगाड़, एंड ये है जो मैं क्ले वगैरह बनाता था इससे बन जाता है। एंड मेरे ये जितने सारे रेडस्टोन के फर्नेस हो गए, बुलबुलाइजर हो गए, ये लिखा रखे हैं मैंने। और यहाँ पे वो अपने एसेंस वाले चीज़ें हैं, जादुई वाले। और हाँ भाई, ये वाला वैक्यूम होपर जो मैंने बनाया था, ये ना आसपास के कुछ 7x7 ब्लॉक तक चीज़ें सक कर लेता है, मतलब ऐसे खींच लेता है अंदर। और ये है भाई अपना ओवर का जुगाड़ जो पहले था ऑलरेडी, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया बस। और भाई आज का हमारा टास्क ये है कि हम इन ओवर्स को डबल करें। और हाँ भाई, मुझे एक बैग भी मिला था, ये रहा वो बैग भाई, मस्त लग रहा है ना। और भाई ओवर डबल करने के लिए हमें ये वाला मशीन चाहिए होगा, पुलवलाइजर। इसमें कोई सा भी एक ओवर का चंक रख दो, वो उसको पीस के डस्ट बना देगा उसका, ठीक है। 1 से 2 डस्ट मिलते हैं, और उस डस्ट को अगर हम पिघलाएंगे, लाइक फर्नेस में हो गया या फिर कोई भी फर्नेस में अगर उसको पिघलाएंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, पिघलाएंगे तो उससे 2 मिलेंगे। जैसे एक हमारा चंक था तो उसको मैंने पीस दिया, उसके 2 डस्ट हो गए, और 2 डस्ट को पिघलाऊंगा तो मुझे 2 इनगट मिल जाएंगे। ईजी भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और डबल करने का ये रहा सिस्टम। पहले लगा के मैंने कंट्रोलर, उसके नीचे एक स्टोरेज जो कि मेरा रहेगा बफर स्टोरेज, उसके साइड में है मेरे सारे पुलवलाइजर, उसके साइड में है सारे के सारे रेडस्टोन अपने फर्नेस। और अब हाँ भाई, मेरा थोड़ा सा आवाज़ अलग आ रहा होगा क्योंकि बारिश की वजह से भाई थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया मेरा। अब इनको सबको कनेक्ट करना है कनेक्टर की मदद से, क्योंकि मैं इन सबको एक साथ भाई कंट्रोल करूँगा कंट्रोलर की तरफ, मतलब कंट्रोलर की मदद से। भाई आपको पता होगा मैं कंट्रोलर का सिस्टम क्या रहता है, इनपुट आउटपुट का सिस्टम रहता है उसका। भाई मैंने सारी चीज़ें अब कन्फिग कर दिया हूँ पूरा, मतलब जितने भी चीज़ें हैं सबको लाइक कंट्रोलर से सबको कन्फिग कर दिया हूँ, कहाँ से इनपुट लेना है, कहाँ जाना है, वैसे कुछ है नहीं। मुझे बस उस वाले स्टोरेज सिस्टम से लेना है, बुलबुलाइजर में डालना है, बुलबुलाइजर से फिर फर्नेस में डालना है, और फिर लास्ट में उसको लास्ट वाले स्टोरेज में डालना है, सिंपल। और आज का भाई हमारा टास्क है कि हम एक विलेजर लाएं, क्योंकि भाई बाद में विलेजर का जरूरत होगा, तो भाई मैं चाहता हूँ कि विलेजर अभी से ले आऊँ। तो भाई विलेजर के लिए हमें ये सब सामान चाहिए होगा, मेनली है ककून, ककून से बन जाएगा, तो इसके लिए वो वाला पंपकिन चाहिए एंड वो वाला इनगट चाहिए। तो पंपकिन तो शायद बन जाएगा मेरे हिसाब से, तो यहाँ से भाई इसको डिग डाउन कर लेते हैं एंड इसमें डाल देंगे पानी, फिर साइड में लगा देंगे पंपकिन, क्या बोल रहा हूँ भाई, इसको भाई अनलिमिटेड कर देते हैं ताकि पूरी तरफ भर जाए पूरा। जल्दी जल्दी करो भाई, हाथ चलाओ जल्दी, एंड इसको अभी होई से हो करना पड़ेगा। होई बोलते कि हो बोलते हैं, मैं तो होई बोलता हूँ भाई हमेशा, पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, अब लगा लेते हैं पंपकिन शीड्स यहाँ पे 2। ओके यार, पंपकिन का तो जुगाड़ हो गया, ये भी है, ये सब सामान बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें चाहिए ये वाला क्या था, माना स्टील इनगट, क्या हम बना सकते हैं इसके लिए माना स्टील एसेंस सीड, ना यार इसके लिए भी इनगट ही चाहिए, तो इसका ओके हम माना पूल से बना सकते हैं ये चीज़। और माना पूल बनेगा लिविंग रॉक से, लिविंग रॉक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ये वाला जो फूल है प्योर डेजी, ये बनाना पड़ेगा। और इसके लिए भाई थोड़ा सा वही जादू टोना का सिस्टम है, और इसके लिए भी भाई ये वाले फ्लावर्स चाहिए। और भाई ये वाले फ्लावर्स ना 2 टाइप से ले सकते हैं, एक तो बनता है ये वाला क्या बोन मिल, इससे बना सकते हैं, बस थोड़े से बोन मिल चाहिए एंड थोड़े से डाई चाहिए, बन जाता है भाई। फिर मारो इसको ग्रास में एंड भाई अनलिमिटेड है भाई, मैजिकल फ्लावर्स यही तो चाहिए, सब उठा लो एंड इसको रखो इसके अंदर, जितने चाहिए बाद में अगर चाहिए होगा तो और बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंड ये
अब शायद ये बन जाएगा, ये थोड़ा सा बनाते ना, ये जरूरत है इसकी। ओके ये, अरे क्या कमी पड़ रही है भाई, स्लैब्स की छी भाई, सामान की भाई, ऐसे तो दिक्कत होगी। ओके ये आ गया, अब शायद हमें एक बार इसकी रेसिपी देख लिया जाए। ये व्हाइट वाले चाहिए ना, ये तो पेडेस्टल जो भी था। ओके ये व्हाइट वाले इस वाले फ्लावर से बन जाएंगे, टोटल चार चाहिए था तो आठ बना लेते हैं। और क्या चाहिए था, नहीं तो उतना ही चाहिए। ठीक है भाई मैं इसको लगाऊंगा उसके पास, आपने पंपकिन, मैंने थोड़े से और भी लगा दिए भाई पंपकिन इधर। एंड इसमें शायद पानी डालना होता है, एंड इसको कैसे करना होता है, राइट क्लिक, अबे मैंने कहीं लगा दिया भाई, इसके अंदर तो गया नहीं, नीचे शायद लग गया, तो क्या करना था, फेंकना होता है, अच्छा फेंकना होता है भाई, ठीक है। अब क्या चाहिए इसको, एक सीड, वाह भाई ठीक है यार, पहले तो नहीं दिखा रहा था कि भाई सीड चाहिए, बाद में दिखा रहा है सीड चाहिए। अब पूरा स्टार्क लेते चलते हैं भाई, क्या भागना है इतने उधर उधर। अब इसमें डालते हैं एक सीड। ओके भाई प्योर डेजी बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, मैं पहले इसको लगा देता हूँ, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं भाई ठीक है। हाँ भाई हमें माना, वो क्या था, माना स्टील नहीं, लिविंग रॉक, इसके लिए हमें स्टोन चाहिए होंगे, तो स्टोन थोड़े से ले लेते हैं। कहाँ है मेरे स्टोन्स, ये रहे, अब इनको लेके चलते हैं भाई, उसके चारों तरफ लगाना होता है, ऐसे रख दो चारों साइड, और भाई अपने आप ही बन जाएंगे लिविंग रॉक। टाइम लगेगा ना, क्या मैं इस पर बोटल ऑफ वो वाला टाइम मार सकता हूँ क्या, बहुत सारा टाइम पड़ा है मेरे पे। ओके 32 गुना ये ठीक, ओ भाई कितनी स्पीड से काम किया इसने, सही है भाई। अब शायद वो वाला पॉट भी हमारा बन जाएगा, माना पुल कुछ था शायद उसका नाम, इसको रखो इसके अंदर। ओके माना पुल, तो भाई माना पुल का जुगाड़ भी हो गया। एंड अब हमें चाहिए होगा, अरे क्या कर रहा हूँ। ओके हाँ भाई एक चीज़ तो मिली है ना इससे, अरे वो कहाँ गया, ये रहा माना स्प्रेडर, ये चाहिए होगा भाई हमें, वो वाला जो पानी था ना माना का पानी, वो बनाने के लिए ये ज़रूरत होगी। एंड भाई मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं करूँगा, ताकि आप मतलब पूरा देख सकूँगी भाई कैसे एक विलेजर लाया जाता है। इसके कोई और भी जुगाड़ हो सकता है लेकिन मुझे पता नहीं भाई, मुझे माना का मतलब माना का तरीका ही पता है इसका, तो मैं यही करूँगा। अब इसको ना वो मुझे लगा था ना माना का स्प्रेडर मिला था, उसको इसके ऊपर लगाना होता है एक ब्लॉक हाइट पे। ऐ इसका एक आँख है क्या, अच्छा ये घूम रहा है कुछ अंदर से भाई, ठीक है यार मुझे लगा इसके आके आँख है। और हाँ भाई ध्यान से देख लेना, मैं कोई भी स्किप मतलब कोई भी ऐसा पार्ट स्किप नहीं करूँगा कि हाँ भाई ऐसा हो गया फिर स्किप कर दिया, नहीं कुछ स्किप नहीं करूँगा। ओके हमें मुझे ना एक टहनी चाहिए थी, ऐसे कुछ डंडी जैसा, वो नहीं मिल रहा, क्या था वो हमें भूल गया यार, कुछ जंग, ये तो रहा वॉन्ड ऑफ क्या, ट्विग ऑफ फॉरेस्ट नाम से था, ठीक है इसके लिए लिविंग ट्विग चाहिए, तो लिविंग ट्विग बनेगी लिविंग वुड से। ओके यार इसके लिए भी लकड़ियाँ चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बना लेंगे, थोड़े से लकड़ियाँ लिया जाए। यहाँ पे क्या सच करना, लॉक 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 ये वाले लेते हैं, ओक लॉक, अरे सही वही करना पड़ेगा जैसे चारों तरफ लगाते हैं हम, वो लगाए थे क्या स्टोन्स, वैसे इसको लगाना होता है। एंड ये थोड़े टाइम में बन जाएंगे, उससे बढ़िया टाइम लगा देते हैं इस पर, ये भी बन जाएगा। अरे आठ गुना मार दिया भाई, ठीक है थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे बन जाएगा इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है। लो भाई बन गया आसानी से। एंड लिविंग वुड भी आ गया, तो लिविंग ट्विग भी बन जाएगा, एंड ट्विग ऑफ द फॉरेस्ट भी बन जाएगा, इसको डालो इसके अंदर। एंड वो कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये डंडी नहीं है ना, तीन डंडी चाहिए तो तीन डंडी बनाओ। एंड ये ट्विग ऑफ द फॉरेस्ट नहीं, वॉन्ड ऑफ द फॉरेस्ट, क्या बोला ट्विग ऑफ द फॉरेस्ट। और हाँ यार एक और चीज़ चाहिए कुछ, उसका नाम एंडोप्लेम के नाम से कुछ था शायद, जो इसके लिए ज़रूरत है भाई, वो ना किससे काम करता था, कोल से शायद काम करता था, हाँ उस पर कोल डालना होता था भाई, वो जलता था फिर उससे माना बनता था, माना का जो पानी है वो बनता था। वो वाला फ्लावर कहाँ है, कुछ फ्लावर ही है ना वो, हाँ एंडोप्लेम ये रहा, इसके लिए ये सब सामान चाहिए, ठीक है बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ओके भाई आखिरी बचाए, पानी डालो, ये डालो, ये दो, एंड ये रेड वाला बन गया भाई एंडो फ्लावर। और भाई हाँ जिसको भी लग रहा है ना मैंने एंडो फ्लावर का स्किप कर दिया था, ठीक है
भाई मैंने एंड ऑफ लाइफ का कुछ भी स्किप नहीं किया, वो जितने भी चीज़ें चाहिए थी ना, जैसे वो व्हाइट वाला साड़ हो गया, वो ब्लू कलर, ब्लू तो नहीं ब्राउन कलर का था भाई, वो उस फ्लावर से मिल जाते हैं जो मिले थे ना, मिथिकल वाले फ्लावर, मैजिकल वाले, उससे मिल जाते हैं सब कुछ। ठीक है, एंड इसको अभी लिंक करना पड़ेगा, ऊपर वाले को नीचे से लिंक करते हैं, शिफ्ट दबा के करना होता है इसको, एंड हमें फ्लावर लगाना पड़ेगा इसके चारों तरफ। हाँ यहाँ पर लगा देते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं कि भाई लाइन से लगाओ, कैसे भी लगा दो ठीक है। एंड इस वॉन्ड से ना इसको कनेक्ट करना होता है, जैसे इस फ्लावर को कनेक्ट करते हैं इसके साथ, यहीं से वो पावर लेगा एंड वो पॉट में जो भी है वो माना पूल, उसमें हमें मिलेगा माना का वाटर। ठीक है ना, ऐसे बकेट में ले सकते हैं क्या उसको? मुझे नहीं लगता उसको वाटर बकेट में ले सकते हैं। अब इसके ऊपर डालना होता है कुछ कोल्स एंड ये जलेंगे, फिर हमें मिलेगा माना का पानी। लो जल गए, लो भाई आ गया हमारा माना का पानी, हो गया ना। थोड़े से और कोल भी इसको दे देता हूँ भाई, चलो भाई काम करो अच्छे से, बहुत सारे चाहिए मुझे। अब भाई माना का इंगट बनाने के लिए हमें आयरन चाहिए होगा, तो आयरन एक स्टाक लेके चलते हैं। ठीक है, पता नहीं कब कमी पड़ जाए। अब इसको इसको ऊपर बस फेंकना ही होता है ना। ओके हाँ फेंकना ही होता है, मैं राइट क्लिक करे जा रहा था। ओके कुछ ज़्यादा फेंक दिया मैंने, इतने सारे शायद माना का वो पानी नहीं बनाया अभी तक, है ना, मुझे लगता है वो ये खाली लग रहा है मुझे। हाँ यार खाली है, टाइम लेता है ये शायद, मुझे शायद थोड़े से और फ्लावर बनाने चाहिए थे। ओके यार ठीक है, अब नहीं बनेगा, चलो यार ठीक है, तीन काफ़ी है, इससे ही बनाते हैं। तो चलो इसके अंदर, एंड इसके अंदर क्या इसके पास चलना होता है, इसको रखो वापस। अब क्या चाहिए होता है इसके लिए, ये वाला तो मिल गया। अरे यार ये पम्पकिन भाई, मैंने पम्पकिन तो तोड़ा ही नहीं, देख लो भाई मैंने थोड़े से और लगा दिए थे, ये उगे भी गए। तो यहाँ से पम्पकिन लेते हुए चलो क्या बोल रहा हूँ, एंड इसको रख देते हैं इसके अंदर। अब ये वाला बन जाएगा एक, एंड नहीं मतलब दो बना लेते ना, तो दो बन गए ये, एंड ये आ गया, एंड एक और। लो भाई दो कोकून बन गए। अब इन कोकून को मैं भाई नीचे लेके जाऊंगा, नीचे ही उनको भाई पहले। हाँ भाई एमरल्ड मेन चीज़ नहीं है, ठीक है मतलब मेन चीज़ तो नहीं है, क्योंकि इससे जल्दी थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वो बच्चे निकलते हैं जल्दी। ओके मैं कहाँ लगाऊँ इसको, ऊपर लगाऊँ ना, यार नीचे ही चलते हैं ना, मैं किसी कोने में लगा दूँगा इसको। पहले ये आओ कोकून, एंड हाँ वॉल्स भी तो चाहिए ना, वरना भाग जाएंगे भाई, इधर इधर भागते रहेंगे। ओके यहाँ पे लगाओ ऐसे, छोटा सा जगह बनाना है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, इतने में हो जाएगा। एंड इसको क्या बोल रहा मैं, ककून, ओ ये हिल भी रहे हैं, सही है भाई, इनको अभी एमरल्ड खिलाना होता है भाई, विलेजर हैं तो ओबियसली भाई वो एमरल्ड ही खाएंगे। एमरल्ड खाते कैसे है भाई ये लोग, ठीक है यार एमरल्ड देते हैं ना इनको। कितना ले रहा है ये, शायद 22 कुछ ले रहे हैं भाई, मुझे लग रहा है जितना 22 शायद ले रहे हैं। अब इनमें थोड़ा सा टाइम मार देते हैं ताकि जल्दी जल्दी से बड़े हो जाए, एंड हमारे पास छोटे छोटे विलेजर के बच्चे आ जाएं। कितना टाइम लगेगा भाई, इनको वो भी खिला दिया एमरल्ड भी, एंड टाइम भी दे दिया। हाँ क्यों भाई बढ़िया यार, मस्त काम हो गया एकदम। और हाँ भाई मैं इनको उठा भी सकता हूँ, कौन से खींचे था, अच्छा बी से था, देखो भाई मेरे हाथ में छोटा छोटा सा ये विलेजर है, विलेजर का बच्चा है भाई। ओके इसको रख देते हैं वापस इसके अंदर। एंड हाँ मुझे एक बैग भी तो मिला था, उसको चेक ही नहीं किया भाई, मुझे क्या मिला था, और वो मुझे फ्री में मिला था, पता नहीं किसको मार के मिला था मुझे वो बैग। कहाँ है भाई वो बैग, किधर गया, ये तो रहा बैग, अब इसको खोल कर देख। और भाई तेरी ऐसी की तैसी भाई, माना स्टील बनाने में मैंने इतनी मेहनत कर ली, जबकि माना स्टील मेरे पास ऑलरेडी था भाई। ठीक यार ठीक है भाई, अब कुछ कर नहीं सकते, हो गया तो हो गया, वापस पहनो बैकपैक को। तो भाई हमने सारे ओर्स को आपने डबल कर दिया, एंड हमने एक विलेजर, एक नहीं दो दो विलेजर को लेके आ गए। सो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।